Hello everyone, good afternoon to all of you. And I, Harneet Singh, welcome back to you again in the amazing session of Principles of Accounting for ESI Deputy Director Exam. So, hum kya kar rahe the? Hum kar rahe hain chapter-wise MCQ practice from accounting session of ESI Deputy Director Exam. Aur aaj ke liye maine topic uthaya hai, issue of shares. तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे दबा लिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए. और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से anujinjal.in पे जाइए और बाय कोर्सेस में ESI सेक्शन पे जाके कोर्स में इनरोल कर लीजिए. अब करते हैं हम स्टार्ट MCQ क्वेश्चंस. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू. क्या दे रखा है कि ऑथराइज्ड कैपिटल इज लेस देन इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इशूड कैपिटल, और लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल. हमें बताना है कि क्या सही होता है. चार ऑप्शंस गिवन है हमारे पास. अब सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है, जो भी कंसेप्ट है उसे डिटेल्ड में समझें और फिर आंसर के ऊपर जाएं. अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से मैसेज कर दीजिए. अब चलते हैं पहले, तो हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है. देखो, कंपनी हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी जो लोगों से पैसा रेज करती है, जो पब्लिक से रेज करती है मनी फंड्स, उसे कहते हैं हम पब्लिक कंपनी. अब पब्लिक कंपनी जब भी फंड्स रेज करती है तो सबसे पहले जब वो रजिस्ट्रेशन कराती है अपनी, तो कुछ अमाउंट कैपिटल का वो ऑथराइज्ड कराती है अपना ROC से या गवर्नमेंट से. कि लेट सपोज कंपनी कह रही है कि मैं फ्यूचर में 50 लाख रुपीज कंपनी रेज कर सकती हूँ पब्लिक से. तो ये उसने परमिशन ले ली ROC से कि इतनी अमाउंट तक, मतलब मैक्सिमम 50 लाख तक मैं रेज कर सकूं. तो ये हमारी 50 लाख अमाउंट क्या हो गई, ऑथराइज्ड कैपिटल. मतलब इतनी अमाउंट की कंपनी के पास परमिशन है कि वो इतनी अमाउंट पब्लिक से रेज कर सकती है. फिर उसकी मर्जी होती है कि या तो वो पूरे के पूरे 50 लाख ही इशू करें, पूरे के पूरे 50 लाख ही रेज करें, या फिर 50 लाख से कम करें. लेट सपोज कंपनी ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ 30 लाख रुपीज ही रेज करेगी. क्या करेगी, 30 लाख रुपीज ही कंपनी से फंड मांगेगी. तो वो क्या होता है, इश्यू कैपिटल. आंसर सुनना, कंपनी पहले ROC भी गई, उसने परमिशन ली, उसे परमिशन मिली 50 लाख रुपीज. 50 लाख रुपीज इज अ ऑथराइज्ड कैपिटल. अब वो लोगों से पैसे मांगने जा रही है. उसके पास ऑप्शन है, या तो पूरे के पूरे 50 लाख मांग सकते कि भाई मैक्सिमम परमिट उसको 50 लाख की है, या उससे कम मांग सकते. तो हमने लिया कि 30 लाख मांगने जा रही है. कंपनी कह रही है कि भाई मुझे 30 लाख रुपीज की कैपिटल चाहिए, आप हमारे 30 लाख रुपीज के शेयर खरीद लीजिए. यही है, मतलब कंपनी ने अपना IPO निकाला. तो ये 30 लाख रुपीज अमाउंट है वो होती है हमारी इशूड कैपिटल. कंपनी मार्केट में गई कि हाँ 30 लाख रुपीज के आप हमारी शेयर खरीदिए. अब जरूरी तो है नहीं कि लोग 30 लाख रुपीज के लिए ही अप्लाई करें. अगर लोग लेट सपोज 29 लाख रुपीज के लिए अप्लाई करते हैं सिर्फ, तो 29 लाख रुपीज क्या हो जाएगी, हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल. क्या हो जाएगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अब ज्यादा के करते हैं तो कंपनी इशू कितना करेगी, सिर्फ 30 लाख ही, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी कितनी हो जाएगी, 30 लाख रुपीज. फर्क समझ आ गया. ऑथराइज्ड कैपिटल जितनी मैक्सिमम परमिशन मिली, इशूड कैपिटल कंपनी जितना लेके गई, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल जितना लोगों ने दिया. ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट्स में क्या है, देखो जब वो इशूड कैपिटल है जो हमारी, वो ऑब्वियस है हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल के या तो बराबर हो सकती है या उससे कम हो सकती है. लेकिन जो मैक्सिमम परमिशन दे रखी है गवर्नमेंट ने, उससे ज्यादा हम इशू नहीं कर सकते. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, सेकेंड ओनली. सेकेंड में क्या है कि हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल ग्रेटर है या इक्वल है किसके, इश्यूड कैपिटल. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर D, सेकंड ओनली. चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लिमिटेड प्रपोज टू इशू 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड पर शेयर एज पर कंपनीज एक्ट 2000 ₹5, ₹10, ₹14 या ₹7. क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंपनी ने शेयर्स इशू करे कितने रुपए के? ₹100 की उनकी फेस वैल्यू थी और 40% प्रीमियम पे, मतलब ₹40 के प्रीमियम पे, मींस ₹140 के कंपनी ने शेयर्स इशू करे और कंपनी अब एप्लीकेशन मनी मंगवाना चाहती है, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मंगवानी ही पड़ेगी वो अमाउंट बतानी है हमें. तो मिनिमम कितनी एप्लीकेशन मनी कंपनी को मंगवानी पड़ेगी वो अमाउंट बतानी. देखो कंपनीज एक्ट 2013 के हमारा जो सेक्शन नंबर 39 ये बोलता है कि कंपनी को मिनिमम 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर अपना एप्लीकेशन मनी में मंगवाना पड़ेगा. यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया? ₹100 का 5% क्या हो गया? ₹5. मतलब यहाँ पे मिनिमम हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना मिनिमम की, तो मिनिमम ₹5 कंपनी को अपना एप्लीकेशन मनी मंगवानी पड़ेगी. हाँ 5 से ज़्यादा मंगवा सकती है, ठीक है. तो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग 5% हमारा नॉमिनल वैल्यू का जो होता है वो कंपनी को एप्लीकेशन मंगवाना पड़ेगा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ₹5. ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिक्योरिटीज प्रीमियम अमाउंट मे बी यूटिलाइज्ड बाय द कंपनी फॉर. तो हमें चार चीजें दे रखी हैं और हमें बताना है कि कंपनी अपना सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट कहाँ यूटिलाइज कर सकती है. सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट मतलब जो भी कंपनी अपनी फेस वैल्यू से एक्सेस लेती है वो हमारा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाता है. तो वो अमाउंट कंपनी कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकती है हमें वो बताना है. क्या ऑप्शंस गिवन है? राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, राइटिंग ऑफ एनी लॉस ऑन द रेवेन्यू नेचर, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, या बोथ ए एंड सी. तो किन जगह पे कंपनी यूटिलाइज कर सकती है अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट? तो अगर याद हो तो जो हमारा कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 52 है, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 52 वो डिफाइन करता है कंपनी इन पांच जगह हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यूटिलाइज कर सकती है. कौन कौन सी पांच जगह है? पहला है हमारा बोनस शेयर्स, कि अगर कंपनी बोनस शेयर्स इशू करना चाहती है. दूसरा क्या है? बायबैक के केस में अगर कंपनी अपने ही शेयर्स खरीदना चाहती है तो वहां यूटिलाइज कर सकती है. फिर तीसरा क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ किसका रिडम्पशन? या तो प्रेफरेंस शेयर्स का या फिर डिबेंचर्स का. इनका अगर प्रीमियम पे करना है रिडम्पशन पे तो उसके लिए यूटिलाइज कर सकती है. चौथा क्या? या तो राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज, राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज. एंड फिफ्थ जगह कौन सा? फिफ्थ है हमारा राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी. तो इन पांच जगह सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कंपनीज, इन पांच जगह ही कंपनी सिर्फ अपना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अमाउंट जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज कर सकती है. देखो ऑप्शन ए तो गलत हो गया क्योंकि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट नहीं है, ना कि लॉस ऑफ रेवेन्यू नेचर भी नहीं है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स. ठीक है, चले आगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनिश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स. एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 300 शेयर्स एंड प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 2500. इफ ध्रुव हैज अलॉटेड 40 शेयर्स
हाउ मैनी शेयर ही हैव अप्लाइड फॉर। तो बेसिकली देखा जाए तो ये अकाउंट से क्वेश्चन ही नहीं है। देखो कैसे, ध्यान से सुन, हुआ क्या, ध्यान से सुनना। कंपनी ने इशू कितना किया, मतलब इनवाइट कितना किया, 2000 शेयर्स का। एप्लीकेशन कितने किया है, 3000 शेयर्स की। 3000 शेयर्स में से कंपनी ने किया क्या, 2400 को तो प्रोराटा अलॉटमेंट किया, और ऑब्वियस है बचे हुए 600 को क्या कर दिया होगा, रिफंड कर दिया होगा या रिजेक्ट कर दिया। अब ध्रुव है जिनको कंपनी ने 40 शेयर्स दिए, ऑब्वियस है वो कहाँ आते होंगे इन 2400 में। अब 2400 को जब प्रोराटा किया, मतलब 2400 जिन्होंने अप्लाई किए थे उन्हें अलॉट कितने शेयर्स हुए, 1000 शेयर्स। 2400 अप्लाई करे थे तो अलॉट कितने हुए हैं, 2000 शेयर्स। और ध्रुव जी ने 40 शेयर्स अलॉट हुए हैं ध्रुव जी को, तो हमारा क्वेश्चन है उन्होंने अप्लाई कितने करे होंगे। जिन्होंने 2400 के लिए अप्लाई करा उन्हें अलॉट हुए 2000 शेयर। क्वेश्चन में है ग्रुप को अलॉट हुए 40 शेयर्स, तो बताओ उन्होंने अप्लाई कितने के लिए किया। सिंपल सा हम यूनिटरी मेथड लगा देंगे तो इधर अमाउंट किया जाएगी 2400 डिवाइडेड बाय 2000 टू 40। ठीक है, तो ये कट के तो ये आ गया हमारे पास 48। तो मतलब ध्रुव ने अप्लाई करा होगा 48 शेयर्स के लिए और उन्हें अलॉट हुए हैं 40 शेयर्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 शेयर। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार लिमिटेड फॉरफिटेड 4000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच फुली कॉल्ड अप On which only application money of 6 has been paid। मतलब forfeit करे उन्होंने 4000 shares of 20 each fully called up है, मतलब सब कुछ मंगवा लिया था, सारी calls हो गई हैं, सारी allotment हो गई हैं, और सिर्फ जो allottee ने pay किया है वो करे हैं ₹6 जो application के थे। Out of these 2000 shares were reissued and 8000 has been transferred to capital reserve। Calculate the rate at which shares were reissued। देखो बहुत अच्छा है, बस घुमा के क्वेश्चन दिया गया। पहली चीज तो शेयर फॉरफिट अकाउंट में पैसे कितने गए होंगे, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, शेयर फॉरफिट में पैसे कितने गए। तो अगर 4000 शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, अब अमाउंट कितने रिसीव हो चुकी है उस पर एप्लीकेशन मनी, ₹6। तो मतलब 24000 हमारा एप्लीकेशन उधर पड़ा होगा शेयर फॉरफिट में, ये ₹4000 हमारा फॉरफिट अकाउंट में पड़ा होगा, लेकिन ये कितने शेयर्स के लिए है, 4000 शेयर्स के लिए। ये अमाउंट कितने शेयर्स के लिए है, 4000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी ने जो रिश्यू करे हैं वो कितने करे हैं, 2000 शेयर्स। मतलब अगर मैं इसे हाफ ऑफ डिवाइड कर दूं तो ₹12000 2000 शेयर्स के लिए और ₹12000 2000 शेयर्स के। ये कंपनी ने अभी रीइशू नहीं करे तो ये कंपनी ने अभी से हाथ नहीं लगाया होगा इन पैसों को, बच्चे ये 12000, इन 12000 के जो 2000 शेयर्स के लिए हैं इसको कंपनी ने रीइशू करा। ठीक है, मतलब कंपनी ने यूटिलाइज कितना निकाला, कितना होगा, 12000। अब डिस्काउंट देना मैक्सिमम कितना था, 12000 का, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 8000 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व्स। मतलब इसमें से जो पैसा बचा, इसमें से जो पैसा बचा वो ₹8000 कंपनी ने ट्रांसफर करे हैं कैपिटल रिजर्व में। मतलब कंपनी ने यूज कितने करे होंगे, सिर्फ ₹4000। कंपनी ने यूज कितने करे होंगे, ₹4000। मतलब कंपनी ने शेयर होल्डर्स को जो 2000 रीइशू करे हैं उनको कितने का डिस्काउंट दिया होगा, ₹4000 का। तो ₹4000 का डिस्काउंट कितने शेयर्स पे दिया कंपनी ने, 2000 शेयर्स पे। तो ये अमाउंट कितने आ गए, ₹2 का। तब कंपनी ने हर एक शेयर होल्डर को ₹2 का डिस्काउंट दिया है, कितने का शेयर है, ₹20 का। डिस्काउंट कितने का दिया, ₹2 का। मतलब रीइशू कितने पे करे होंगे, ₹18। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन, ₹18। ठीक है, ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था, और हर बार की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। तो क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ। देखो हर एक साल कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर आपने न्यूज़ में पढ़ा हो कभी आता कि कंपनी ने अपना 100% डिविडेंड दिया, ये कंपनी ने 50% डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये कंपनी ने 200% डिक्लेयर किया। तो ये जो 100, 50 और 200 वो बोल रहे हैं इसका है, क्या ये ऑथराइज शेयर कैपिटल का 100% है, क्या ये नेट प्रॉफिट का 100% है,
क्या ये पेड अप कैपिटल का 100% है, या जो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 100% है। तो किसका 100% या किस परसेंटेज पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम मिलेंगे अगले वीक थर्सडे को 2 PM। अगर कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।